सफलता का मूल मंत्र छिपा है भगवान श्री कृष्ण के इन 6 उपदेशों में। जीवन को भगवान श्री कृष्ण के ये 6 मंत्र आपके जीवन को सफल बना देंगे। देखने का नजरिया, श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को एक ही समान देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हमें ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद उस स्थिति में होता है तो वह स्वार्थ से वशीभूत होकर काम करता है, फिर चाहे क्यों न वह अनजाने में दूसरों का अहित ही कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पूर्ण पाप के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। गुस्से पर काबू, गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोक में से एक श्लोक में गुस्से पर काबू रखना बताया गया है। इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है, इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो यह कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है, लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि जब क्रोध आए कुछ रुक कर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार जरूर विचार कर ले, इसके बाद कोई भी कदम उठाएं। मन पर नियंत्रण, श्री भगवत गीता के एक श्लोक में युगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा या तो गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशा है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है या फिर हो सकता है खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है, इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सच्चे दोस्त, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के सच्चे दोस्त के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका पूरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़ा हो। ऐसा न हो कि वह समस्या आते ही वह आपसे दूर हो जाए। यदि आपका मित्र ऐसा न करे तो तुरंत ही उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग जो आपके मित्र बनकर मित्रों की संख्या में इजाफा तो कर देंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ नहीं होगा। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है, जब सही हो तो तमाम दोस्त मिल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपका साथ देते हैं, तो जो पूरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अनुभव से सीख ले, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभव से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके, अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया कि बार बार असफलता मिलने के बाद व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए, फिर मिले अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, मोह के बजाय सत्य को जाने। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते कार्य करेगा, ऐसे उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण जी का ये उपदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और भाई धीरेन्द्र राघव चंदेल। धन्यवाद।